दोस्तों, अगर आप भी भुवनेश्वर कुमार को खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, राजस्थान के खिलाफ हैदराबाद की टीम को मिली जीत के बाद भारतीय दिग्गजों ने दिया बड़ा बयान। भुवनेश्वर कुमार की तारीफ कर दे दिया दिल जीत लेने वाला बयान। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान और हैदराबाद के बीच आज खेले गए रोमांचक मैच में हैदराबाद की टीम को जीत मिली है, जिसके बाद भारतीय दिग्गजों का बड़ा बयान सामने आया। इस बीच सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग से लेकर हरभजन सिंह, गौतम गंभीर ने भुवनेश्वर कुमार की तारीफ करते हुए एक ऐसा बयान दिया जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो आखिरकार राजस्थान की बड़ी हार के बाद भारतीय दिग्गजों ने क्या कहा, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह में कौन बेहतरीन तेज गेंदबाज है, कॉमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा की आपको पता है, राजस्थान और हैदराबाद के बीच खेले गए रोमांचक मैच में हैदराबाद की टीम को अपने घर पर एक रनों से शानदार जीत मिल गई। इस मैच में राजस्थान की टीम ने टॉस हार कर पहले गेंदबाजी करते हुए हैदराबाद की टीम को 20 ओवर के अंदर 201 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाने के बाद रोक दिया था, और इसका पीछा करने के लिए आई राजस्थान की टीम अंतिम गेंदों पर 200 रन 7 विकेट के नुकसान पर बना पाई और इस मैच को 1 रनों से हार गई। इस दौरान हैदराबाद की टीम के जीत के असली हीरो भुवनेश्वर कुमार रहे, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए इस मैच के अंदर 4 ओवर में 41 रन देते हुए 3 विकेट हासिल किया, जहां पर उन्होंने जॉस बटलर और संजू सैमसन को खाता भी नहीं खोलने दिया और अंतिम गेंद पर अब रोमन पॉवेल को आउट कर 1 रनों का बचाव किया और इस मैच को जीत लिया, जिसके बाद भुवनेश्वर कुमार की तूफानी गेंदबाजी पर भारतीय दिग्गजों ने हैरान कर देने वाला बयान दिया, जिसमें सुनील गावस्कर ने बयान देते हुए कहा कि हैदराबाद की टीम को इस मैच के अंदर मिली जीत को देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूं। इस मैच में हैदराबाद की टीम की तरफ से भुवनेश्वर कुमार ने काफी ज्यादा शानदार गेंदबाजी करके दिखाई है। उन्होंने जिस तरीके से इस मैच के अंदर शानदार गेंदबाजी की, वो बताता है कि राजस्थान की टीम के लिए भुवनेश्वर कुमार जीत दिलाने वाले अकेले खिलाड़ी रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हैदराबाद की टीम की तरफ से अगर भुवनेश्वर कुमार शानदार गेंदबाजी नहीं करते तो शायद हैदराबाद की टीम को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता, लेकिन भुवनेश्वर कुमार की शानदार गेंदबाजी के चलते आज के दिन हैदराबाद की टीम को राजस्थान के खिलाफ शानदार जीत मिल चुकी है। तो वहीं वीरेंद्र सहवाग ने बयान देते हुए कहा कि हैदराबाद की टीम की तरफ से इस मैच के अंदर बल्लेबाजों का काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन जिस तरीके से आज भुवनेश्वर कुमार ने शानदार गेंदबाजी करके दिखाई वो वास्तव में काबिले तारीफ है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हैदराबाद की टीम की तरफ से अगर भुवनेश्वर कुमार शानदार गेंदबाजी नहीं करते तो शायद राजस्थान की टीम को इस मैच के अंदर जीत दर्ज करने का मौका मिलता। इसके अलावा राजस्थान की टीम के सामने पहले ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने जिस तरीके से शानदार गेंदबाजी की और अंतिम ओवर में लक्ष्य का बचाव किया, वो बताता है कि भुवनेश्वर कुमार हैदराबाद की टीम के लिए कितने ज्यादा महत्वपूर्ण गेंदबाज साबित हो सकते हैं। तो वहीं गौतम गंभीर ने बयान देते हुए कहा कि हैदराबाद की टीम के खिलाफ इस मैच के अंदर भुवनेश्वर कुमार ने काफी ज्यादा अच्छी गेंदबाजी करके दिखाई है। आज के दिन उन्होंने एक बार फिर से अपनी बेहतरीन गेंदबाजी के जरिए सभी को बता दिया कि इस खिलाड़ी को कमजोर समझना गलती है। आगे उन्होंने कहा कि भुवनेश्वर कुमार हैदराबाद की टीम के लिए पिछले कुछ समय से खेल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से इस आईपीएल में भुवनेश्वर कुमार का खराब प्रदर्शन देखने को मिला था और अब हैदराबाद की टीम के लिए भुवनेश्वर कुमार ने जिस तरीके से शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, वो बताता है कि हैदराबाद की टीम को भुवनेश्वर कुमार के ऊपर कितना ज्यादा भरोसा है। तो वहीं हरभजन सिंह ने बयान देते हुए कहा कि हैदराबाद और राजस्थान के बीच खेले गए इस मैच में हैदराबाद की टीम को भुवनेश्वर कुमार की शानदार गेंदबाजी के चलते जीत मिल गई। आज जिस तरीके से हैदराबाद की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 रनों के दम पर जीत दर्ज की है, उसके पीछे भुवनेश्वर कुमार जीत के असली हीरो रहे हैं। हालांकि भुवनेश्वर कुमार को T20 वर्ल्ड कप के अंदर शामिल नहीं किया गया है, लेकिन इस खिलाड़ी ने जिस तरीके से अपने प्रदर्शन से आज अपनी टीम को जीत दिलाई, वो बताता है कि इस खिलाड़ी को भी T20 टीम में शामिल करना चाहिए था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भुवनेश्वर कुमार अगर इसी तरीके से आगे गेंदबाजी करते रहे तो उन्हें रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर शामिल करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस मैच में भुवनेश्वर कुमार की शानदार गेंदबाजी को देखकर आप उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, राजस्थान की अंतिम ओवर की अंतिम गेंद पर हार के बाद ना संजू सैमसन बौखलाए हुए हैं और अपने बयान में ये हार का सारा जिम्मा भुवनेश्वर और कमेंट्स के सर पर फोड़कर जो उन्होंने कहा है वो आपको सुनना चाहिए और सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आज क्या बोले भड़के हुए सैमसन, उनके बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भुवनेश्वर की इस परफॉर्मेंस के बाद क्या उन्हें वर्ल्ड कप खिलाना चाहिए, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 में एक ऐसी टीम है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम, जिसमें पैट कमिंस आते हैं, सभी टीमों को धोकर रख देते हैं और फिर ऐसा माहौल बनाते हैं कि उनके सामने कोई जीत ही नहीं सकता। वो कहते हैं कि हर टीम के मन में, हर टीम की नजर में हम अपना खौफ देखना चाहते हैं। खैर दोस्तों, राजस्थान की टीम कुछ हटकर है, 16 अंक यूं ही हासिल नहीं कर रखे उन्होंने।
दोस्तों आज जब हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो मुकाबला कांटे की टक्कर का होता है, चिंगारियां निकलती हैं एक दूसरे में से। लेकिन राजस्थान की टीम एक सक्षम टीम है, इस बात में कोई शक नहीं। फिर भी दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की तरफ से एक अच्छी शुरुआत ना होने के बावजूद भी ट्रेविस हेड के 58, नीतीश रेड्डी के 76 और 19 में 42 क्लासेन के आते हैं जो 201 बनाते हैं, यानी कि 202 का टारगेट था। अब दोस्तों किसी और के घर में टारगेट चेस करना, वो भी तब जब दो गोल्डन डक हो गए हों, जॉस बटलर संजय सैमसन 0 पर आउट हो गए थे। इसके बावजूद भी दोस्तों दो खिलाड़ी ऐसे आए जिन्होंने आज पैट कमिंस और सनराइजर्स हैदराबाद की कमर और अकड़ दोनों को तोड़ कर रख दिया, बिखेर कर रख दिया, चकनाचूर कर दिया। 40 गेंदों में 7 चौके 2 छक्के लगाते हैं दोस्तों यशस्वी जायसवाल 67 रन की पारी खेलते हैं। इसके बाद वो नटराजन की गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए। रियान परग जो इस मैच के असल हीरो हैं वो 49 गेंदों में 4 छक्के 8 चौके लगाकर 77 रन बनाते हैं और मैच को पहुंचा देते हैं अंतिम लम्हों तक। अब तक दोस्तों पिक्चर क्लियर थी, राजस्थान जीत रहा है, सनराइजर हैदराबाद की टीम हार रही है, क्योंकि हैदराबाद के घर में अब राजस्थान का पंजा कस चुका था। लेकिन मैच में अभी अंतिम लम्हे आने बाकी थे और हम सभी जानते हैं आईपीएल हो, अंतिम लम्हों तक मैच पहुंचे रोमांचक ना हो ऐसा हो नहीं सकता। फिर भी दोस्तों अश्विन और पोवेल राजस्थान को जिता देंगे सबको पता था, और जब भुवनेश्वर कुमार आए तो 5 गेंदों में अब चाहिए थे 12 रन, और भुवनेश्वर को डेथ ओवर स्पेशलिस्ट कहा जाता है किस लिए, चलिए आपको बताते हैं। पहली गेंद पर 1 रन, दूसरी पर 2 रन, तीसरी पर चौका भी आ गया और दोस्तों चौथी पर 2 रन आ चुके थे। इनफैक्ट 5वीं गेंद पर भी 2 रन हुए, यानी कि आखिरी गेंद पर 2 रन चाहिए थे, लेकिन भुवनेश्वर की सटीक गेंदबाजी का नतीजा कि पोवेल एलबीडब्ल्यू आउट हुए और 15 में 27 रन लगाने वाले खिलाड़ी पानी भरते नजर आए। दोस्तों यकीन नहीं हुआ सैमसन को जब उनकी टीम हारी, और हार के बाद ना वो भुवनेश्वर से लेकर कमिंस पर भड़के हुए हैं। आखिरकार उन्होंने अपनी टीम की हार का सारा जिम्मा इन पर फोड़ते हो क्या, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि हार के बाद बौखलाए सैमसन ने अपने बयान में कहा, यकीन नहीं हो रहा कि हम मुकाबले को हार चुके हैं, बात क्वालिफाई करने की नहीं है, बात जीत की है, और मैदान में जब आप उतरते हैं चाहे आपका घरेलू मैदान हो या विरोधियों का, जीत ही आपका इकलौता मकसद होता है। और हमें भले ही 200 का टारगेट मिला, हमारे पास बल्लेबाजी लाइनअप इतना लंबा है कि हम चेस कर सकते थे, हमने चेस कर भी दिया था, लेकिन इस बात को सुनकर यकीन नहीं होता कि 5 गेंदों में हम पर 12 रन नहीं बन पाए, और इसका सीधा और सबसे बड़ा कारण ना भुवनेश्वर कुमार में ही छुपा है। भुवनेश्वर कुमार एक ब्रिलियंट डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है तो मैं पहले से ही जानता था, लेकिन कमिंस का जब उन्हें साथ मिला तो उनकी एनर्जी दोगुनी हो गई, क्योंकि उन्होंने हार और जीत पर ध्यान ही नहीं दिया, बस परफॉर्मेंस पर खेलते रहे, और उनकी परफॉर्मेंस ऐसी थी कि आज हमारे खिलाड़ी मात खा गए। यकीन मानिए कि भुवनेश्वर कुमार अंतिम ओवर ना डालते और पैट कमिंस के हाथ पर फूल जाते ना, तो हम इस मैच को जीत सकते थे बड़ी आसानी से। खैर अगली बार ही सही, इनको फाइनल में हराएंगे। दोस्तों सैमसन ने हार का सारा जिम्मा ना फोड़ा है भुवनेश्वर और कमिंस के सर पर। वैसे आप सभी को क्या लगता है, मूवी की इतनी शानदार गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों संजू सैमसन की धोनी जैसी कप्तानी और आवेश खान की गेंदबाजी के आगे आज हैदराबादियों के नवाबों का नवाबीपन भी फीका पड़ गया, लेकिन जाते जाते नीतीश रेड्डी जैसे खिलाड़ी ने मैच को पलट भी दिया था। कैसे दोस्तों आज सैमसन और आवेश खान ने मिलकर हैदराबाद की टीम को साइलेंस कराया, लेकिन नीतीश रेड्डी ने दिल भी जीता। आपको दोस्तों इस पूरे वाक्य का, इनकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी का वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सैमसन ऋषभ पंत और धोनी में बेहतर विकेटकीपर बैट्समैन कौन है, नीचे कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल 2024 में केवल 2 टीमों का नाम मशहूर है, राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। राजस्थान तो मशहूर है क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अपने ताबड़तोड़ प्रदर्शन के लिए, और जब मैच उनके घर में हो तो उन पर शक नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी दोस्तों आज कहीं ना कहीं किसी हद तक तो संजू सैमसन और आवेश खान का जादू उनके घर में चला। देखिए ट्रेविस हेड तो तूफानी खिलाड़ी हैं, आते ही 44 गेंदों में उन्होंने अपनी टीम के लिए 3 छक्के 6 चौके जड़कर 58 रन बनाए, लेकिन उनको बोल्ड करने वाले और उनसे पहले भी विकेट चटकाने वाले आवेश खान ही थे। दोस्तों अभिषेक शर्मा भी 10 गेंदों में 12 रन बना चुके थे और शुरुआती दौर में राजस्थान को विकेट चाहिए था। संजू सैमसन आवेश खान को बुलाते हैं, जिसके बाद वो 5वें ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा को 200 ध्रुव जुरल के हाथों कैच आउट करा डालते हैं। इसके बाद अनमोलप्रीत जैसे खिलाड़ी को भी आउट करने वाले 200 संदीप शर्मा बने, लेकिन सबसे ज्यादा रन ट्रेविस हेड बना रहे थे। 44 गेंदों में 6 चौके 3 छक्के लगाकर ये खिलाड़ी 58 रन अपनी टीम के लिए बना चुका था। और दोस्तों ट्रेविस हेड का विकेट मिलना यानी कि एक ट्रेजर मिलने से कम नहीं है। इनको भी दोस्तों आवेश खान ने फिर क्लीन बोल्ड किया पारी के 15वें ओवर में।
अब दोस्तों भले ही कहना पड़ेगा कि संजू सैमसन की कप्तानी और आवेश खान की गेंदबाजी का कॉम्बिनेशन राजस्थान की टीम को जबरदस्त सपोर्ट दे रहा था, क्योंकि दोस्तों 14वें ओवर तक इस टीम के ज्यादा कुछ खास रन नहीं थे। जब तक ट्रेविस हेड आउट हुए तो 15वें ओवर तक स्कोर 131 था, लेकिन जानते हैं 20 ओवर में कितने रन बन गए थे? 201 रन। और दोस्तों ये रन बनाए नीतीश रेड्डी नाम के खिलाड़ी ने, जिन्होंने आज बल्ले से दिल जीत लिया है सबका। नीतीश रेड्डी ने 242 गेंदों में 8 छक्के 3 चौके लगाकर 76 रन बनाए, तो हेंड्रिक्स क्लासेन 19 गेंदों में 3 छक्के 3 चौके लगाकर 42 रन बनाकर गए हैं।